नेक्स्ट देखिए बच्चों, इससे रिलेटेड आपके पास एग्जांपल नंबर टू है। एग्जांपल नंबर टू आपको दी हुई है, इसके अंदर भी आपसे कहा आपने श्वास क्रिस्टोफल फार्मूला यूज़ करना है मैं आपको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और सेकंडली कंडीशन बता दी हुई है कि अपर हाफ प्लेन है आपके पास और उसको मैप कर रहा है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, यानी यहाँ कंडीशन नहीं दी आपको, क्वेश्चन के अंदर डायग्राम दी हुई है। आप फिगर को देखोगे और वहाँ से उसको प्लॉट करोगे। आपको ये दो डायग्राम दी हुई हैं, जी प्लेन के अंदर बताया हुआ है कि आपके पास हाफ प्लेन वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और डब्ल्यू प्लेन के अंदर आपको ये डायग्राम दी हुई है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें जो माइनस वन है वो एयोटा पे मैप हो रहा है क्योंकि ये ए पॉइंट है, ये ए डैश पॉइंट है, और जो वन है वो आपके पास जीरो पे मैप हो रहा है क्योंकि ये बी पॉइंट है, बी डैश पॉइंट है। यहाँ पे आपको अल्फा वन की वैल्यू भी क्वेश्चन के अंदर गिवन दी हुई है, यहाँ पर आपको अल्फा टू की वैल्यू भी दी हुई है। जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, ये ज़्यादा इजी सिचुएशन होती है क्योंकि थ्रू द डायग्राम आप इजीली बता सकते हो कि एंगल्स क्या हैं आपके पास, x1 x2 की वैल्यू क्या है, w1 w2 की वैल्यू क्या है। इसके लिए सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप उसे पुट कर सकते हो। देखिए आपने सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले बताया अल्फा वन अल्फा टू क्या था, डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू क्या था, एक्स वन एक्स टू क्या था, एक्स वन या जी वन, बेसिकली आप एक्स वन ही कहोगे क्योंकि फॉर्मूले के अंदर एक्स वन एक्स टू यूज़ होता है, वरना ये कभी कभी क्वेश्चन में जी वन जी टू के नोटेशन से भी आ सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने सारी वैल्यूज़ लिखी, देन बाय श्वास क्रिस्टोफल थ्योरम, ये मैंने श्वास क्रिस्टोफल को एब्रीवेशन की फॉर्म में एस सी थ्योरम लिखा हुआ है। आपने लिखा उस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट होती है, टू पॉइंट्स थे फिर हमने टू पॉइंट्स पे क्लोज किया, एक्स वन की जगह उसकी वैल्यू जब माइनस वन पुट की तो माइनस माइनस प्लस वन हो गई, इसी तरह एक्स टू की वैल्यू वन पुट की, अल्फा वन अल्फा टू की वैल्यू पुट की, इसको सॉल्व किया तो कुछ इस टाइप का आंसर आया। अब इस टाइप के फंक्शन की इंटीग्रेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप क्या करोगे, क्योंकि अगर नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो या इस टाइप की कोई फॉर्म बन रही हो तब तो इजी हो जाता है। इसकी आसानी के लिए हम क्या करेंगे, z प्लस वन की पावर वन बाय टू से, जो आपके पास z प्लस वन बाय टू है, z प्लस वन की पावर वन बाय टू, इसे हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और हम इसे डिवाइड भी कर देंगे, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, नीचे जी स्क्वायर माइनस वन की पावर वन बाय टू आ जाएगा, ऊपर जी प्लस वन की पावर वन हो जाएगा क्योंकि वन बाय टू प्लस वन बाय टू वन होता है। अब आप इसको सेपरेट सेपरेट कर सकते हो। अब आप देखो इसकी इंटीग्रेशन करना आसान होगी आपके पास, क्योंकि ये आपके पास कोस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला बन जाएगा, कोस हाइपरबोलिक इन्वर्स का, और इस पर जब आप इसके पावर नीचे है, आपके पास फंक्शन नीचे है, फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो आप उस पर पावर रूल लगा सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है आप क्या करोगे, इस वाले टर्म को ऊपर लेके चले जाओगे। अगर देखो ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव होने के लिए टू जी होना ज़रूरी था, हम क्या करते हैं टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ये मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए किया ताकि फंक्शन और उसके साथ उसका डेरिवेटिव हो तो हम पावर रूल लगा सकें। ये हमने टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जो कॉन्स्टेंट टर्म थी एज इट इज़ रहने दी, फंक्शन फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव है, पावर रूल लगा, पावर में एक चीज़ ऐड उसी से डिवाइड, और ये कोस हाइपरबोलिक इन्वर्स का आपके पास था इंटीग्रल, तो आप इसको इसकी इंटीग्रेशन करके बता दोगे किस टर्म के इक्वल आता है, प्लस आ कॉन्स्टेंट बी लिख दोगे। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, टू पर जाके टू टू से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो फंक्शन की वैल्यू है आपके पास ये टर्म बन जाएगी। अगेन आपने इसको इक्वेशन का नेम दे देना है ताकि आप ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सको। आप यहाँ से देखोगे कि माइनस वन जो है वो आयोटा पे मैप हो रहा था, तो इसका मतलब ये एफ ऑफ माइनस वन इक्वल्स टू आयोटा था, वन आपके पास जीरो पे मैप हो रहा था, आप कहोगे एफ ऑफ वन इक्वल टू जीरो था। एक दफ़ा जी की जगह माइनस वन और फंक्शन की जगह आयोटा पुट करोगे, एक दफ़ा जी की जगह वन और फंक्शन की जगह जीरो पुट करोगे, करने के बाद फिर वही सिचुएशन आएगी, आपके पास दो इक्वेशंस बनेंगी, उन दोनों इक्वेशंस को आप फिर जब कंपेयर करोगे, कंपेयर करने के बाद बी की वैल्यू जीरो आ जाएगी, ए की वैल्यू वन ओवर पाई आ जाएगी, अब दोनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू भी आ जाएगी, वो आप क्वेश्चन के फंक्शन के अंदर पुट करोगे तो आपका एट द एंड यहाँ से कन्फॉर्मल मैपिंग का आंसर आ जाएगा। आपकी बेसिकली जो जिल की बुक है, ये मैंने उस वाली बुक से श्वास क्रिस्टोफल का टॉपिक निकाल के उसकी एग्जांपल नंबर वन और एग्जांपल नंबर टू आपके साथ डिस्कस की थी। अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड आपके पास एक एग्जांपल है जो कि एग्जांपल नंबर थ्री है, उस एग्जांपल के अंदर सेम यही काम करना है, बस थोड़ी सी चेंजेस है। वहाँ पर आपको उन्होंने कहा हुआ है कि आपने कॉन्फॉर्मल मैपिंग का ही फॉर्मूला निकालना है, श्वास क्रिस्टोफल का फॉर्मूला लगा के कॉन्फॉर्मल मैपिंग का फंक्शन निकालना है। यहाँ पर भी अपर हाफ प्लेन है और आपको कहा है, लेकिन यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब ये होता है एक ऐसी ट्राइंगल है जिसके एंगल्स आपके पास सारे के सारे इक्वल हैं, W1 की वैल्यू जीरो है, W2 की वैल्यू वन है, W3 की वैल्यू दी हुई है, आपको कंस्ट्रक्ट करके भी खुद क्वेश्चन में कहा हुआ है, आप इसमें भी यही काम करोगे, जीरो वन यहाँ पे उन्होंने लिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, खुद डायग्राम आपको गिवन है। आपने क्या करना है, यहाँ से x1 पॉइंट की वैल्यू देखी जीरो है, x2 पॉइंट की वैल्यू वन थी, फंक्शन आप लोगों ने x1 x2 था तो z को टू टाइम तक ओपन किया। अब आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब अल्फा वन अल्फा टू दोनों की वैल्यू पाई बाय थ्री है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, आपने वो भी इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर देनी है। जब आप उसकी इंटीग्रेशन करोगे तो आप देखो ये एक ऐसा फंक्शन बनेगा जिसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगी,
इन्होंने जी को ऐसे रिप्लेस कर दिया, आपकी मर्जी है आप जी को ऐसे ना भी रिप्लेस करें, आप एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। आप इसको यहाँ पे स्टॉप भी कर सकते हो, या आप क्या करोगे जो पूरे का पूरा इंटीग्रल फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता उसे एक गामा फंक्शन का नेम दे दोगे और बता दोगे कि एडजेंट इसका ये आंसर आ रहा है। ठीक है, जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपका गिवन इंटीग्रल जो है उसकी इंटीग्रेशन एग्जिस्ट ना कर रही हो, आप उसे किसी नोटेशन का नेम देके वहाँ पे स्टॉप कर देते हो, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोगों के साथ जो मैंने आज का टॉपिक डिस्कस किया आप उसको देखें सुने, अगर किसी स्टेप में प्रॉब्लम है तो बताएं, फिर हम वो डिस्कस कर लेंगे।